फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, यह हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, जिसमें कि हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके मीनिंग, इसका डेफिनेशन और इसके फीचर्स और फंक्शन, आप जो भी बोल सकते हैं। यह हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं सिग्निफिकेंस, यानी ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी क्यों होता है। तो फर्स्ट इसका होता है सिनर्जी इफेक्ट। सिनर्जी इफेक्ट का मतलब होता है कि जो ग्रुप ऑफ पर्सन मिलके कितना एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जी इफेक्ट। सेकंड होता है टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट का मतलब एक ग्रुप ऑफ पर्सन टीम में मिलके कितने अच्छे से काम करते हैं, कितना अच्छा प्रोडक्शन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इसलिए भी ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी होता है। थर्ड है अटेनमेंट ऑफ कॉमन गोल। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्कर्स काम करते हैं वो क्यों काम करते हैं? ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल हो वो उनको अचीव कर सके। फोर्थ होता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एक ऑर्गेनाइजेशन में उसमें सपोज करिए 20 वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो 20 को क्या मिल रही है? एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा नीड होगी वर्कर्स की, तो वो और लोगों को एम्प्लॉयड करेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसा कि फोर्थ पॉइंट से ही है कि वो जब एम्प्लॉयड करेगा लोगों को, तो जिससे क्या होगी, इकोनॉमी की, हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी। सिक्स पॉइंट है स्पेसिफाइड सर्विस। ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम क्या होता है? अपने कस्टमरों को सर्विस प्रोवाइड कराना, वो भी अच्छी से अच्छी सर्विसेज। सेवन पॉइंट है हमारा मिनिमम इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। मिनिमम इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ का मतलब होता है जो भी इकोनॉमिक में कमियां होती हैं, खराबियां होती हैं, वो कम से कम करना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ट्रांसफ़र एंड एडाप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, कि वो लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, तो उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, और जो भी हमारी न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आई होती है वो उसको अडॉप्ट करते हैं, ताकि क्या करें, वो अपना प्रोडक्शन अच्छा कर सके और अपने कस्टमर को अच्छे से सेटिस्फाइड कर सके। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नोट्स के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा जीमेल और पेटीएम नंबर दिया है। 15 रुपीज़ पर चैप्टर के हिसाब से आप पेटीएम नंबर पे ट्रांसफ़र करके उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे जीमेल पे सेंड कर दीजिएगा। विद इन 1 आवर्स आपको जिस भी सब्जेक्ट के, जिस भी चैप्टर के नोट्स चाहिए आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।